नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिड डे प्राइम में और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी, कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र हुआ शुरू। राष्ट्रपति ने भारत द्वारा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान चलाने पर जताया गर्व, कहा कोरोना महामारी के समय सरकार के सटीक फैसलों से लाखों लोगों की बची जान। आज संसद पटल पर रखा जाएगा 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद कृषि कानूनों को किया है पारित, जिसका लाभ मिल रहा है किसानों को। राष्ट्रपति ने तिरंगे के अपमान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा संविधान ने हमें कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर ही दी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशक के पहले बजटीय सत्र की शुरुआत को बताया महत्वपूर्ण, कहा बजट में इस दशक को ध्यान में रखते हुए हो चर्चा, कहा कि जिन अपेक्षाओं के साथ लोगों ने हमें संसद में भेजा हम उन सब पर खरे उतरे, ऐसा है विश्वास। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार के विषय पर विपक्ष के बीजेपी ने किया पलटवार, कहा सामने आया विपक्ष का दिवालियापन, देश की जनता ने कर रखा है इनका बायकॉट, संसद में नहीं है इनकी आस्था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा विपक्ष ने किया लोकतंत्र को तार तार। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में जारी कोविड 19 टीकाकरण अभियान की प्रशंसा की, भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता को बताया दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने टॉटनहम हॉटस्पर को 3-1 से हराया, इस जीत के बाद लिवरपूल 37 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंची। आप देख रहे थे अभी की इस वक्त की सुर्खियां और सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के शुरू होने के साथ संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के समय सरकार के सटीक फैसलों से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। राष्ट्रपति ने भारत द्वारा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान चलाने पर गर्व जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना टीकों की लाखों खुराकें उपलब्ध कराई हैं। बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर, हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके, PPE किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। राष्ट्रपति ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने कृषि को आधुनिक बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लागत के 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया है। सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो।
इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया। मेरी सरकार आज न सिर्फ MSP पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद 3 कृषि कानूनों को पारित किया है, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि सुधार को अनेक दलों ने समय समय पर अपना समर्थन भी दिया है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। वहीं राष्ट्रपति ने पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से कानून का गंभीरता से पालन करने को कहा है। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के शुरू होने के साथ संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। ये जानते हैं इस संबोधन की और क्या प्रमुख बड़ी बातें रही। उन्होंने कोरोना महामारी के समय सरकार के सटीक फैसलों से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी, इस बात का जिक्र उन्होंने कहा और इस पर गर्व भी उन्होंने जताया है। भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को टीकों की लाखों खुराकें उपलब्ध करवाई है, इस बात का भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया। दूसरों पर निर्भरता कम करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनने का सपने की ओर देश आगे बढ़ रहा है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ पिछले 6 वर्ष में सरकार ने कृषि को आधुनिक बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं, उसका भी सिलसिलेवार तरीके से राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया है। पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान एक तरीके से उन्होंने इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ऐसी घटनाओं को ना होने की बात कही। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है वही हमें कानून और नियम का भी पालन करना सिखाता है, इस बात को भी रेखांकित किया राष्ट्रपति ने। वर्तमान में कृषि कानूनों का अमलीकरण स्थगित करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सरकार ने सम्मान करने की बात कही, इस बात को राष्ट्रपति ने कहा। और व्यापक विचार विमर्श के बाद ही 3 कृषि कानूनों को पारित किया गया था जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है, इस बात को राष्ट्रपति ने अभिभाषण में दर्ज कराया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए 1 रुपये में सुविधा सैनिटरी नैपकिन देने की योजना जारी की गई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आज़ादी मिल सकेगी, इस बात का भी जिक्र राष्ट्रपति ने अपनी बातों में किया है। और अभिभाषण जो कुछ देर पहले संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ था वहां पर तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र राष्ट्रपति ने किया। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ने बहुत सी तमाम बातों का जिक्र किया है, जहां सरकार के कामकाज को जिनाया तो वहीं 26 जनवरी की घटना को लेकर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि संविधान का दायरा हर एक के लिए एक तरीके से जरूरी है, उसको ही एक तरीके से अंतिम परिधि मानना चाहिए, उसके बाहर जाकर अभिव्यक्ति भी आपको इतना आजादी नहीं देती, आप किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल आर्यन्द्र, आज के राष्ट्रपति के भाषण में जहां 6 साल की जो उपलब्धियां रही है मोदी सरकार की उनका जिक्र किया गया, खासतौर पर कोरोना काल में जो सरकार ने गरीबों को राहत पहुंचाने का काम किया है,
उसका विशेष तौर पर उल्लेख किया गया। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी 26 जनवरी को दिल्ली में, उसका जिक्र करते हुए कानून का जो पालन करना वो काम, वो भी एक तरह से देखें तो ये काम है लोगों का, तो यानी कानून का पालन लोग करें, इस बात का एक तरह से जिक्र किया गया। तो बहुत अहम इसलिए होता है कि आप देखें राष्ट्रपति के अभिभाषण को आरेंद्र, तो पूरे अभिभाषण में उपलब्धियों का जिक्र हुआ। और चूंकि हम जानते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से कुछ किसान संगठन वो उसके विरोध पर नजर आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि उसमें जिस तरह का एक स्थिति बनी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी, और उसके बाद एक तरह से देखें तो देश में भी ये माहौल बना है। हमने देखा कि किस तरह से जब सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि कृषि कानूनों के जरिए दरअसल ये तय किया गया है कि जो पुराने समय में जो व्यवस्था थी कृषि को लेकर वो जारी रहेगी, उसके आगे जो है आगे कुछ और विकल्प दिए गए हैं, और इसका जिक्र भी आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया कि किस तरह से ये जो कृषि कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें जो एक तरह से पुरानी जो व्यवस्था है एमएसपी पर जो खरीद है वो एमएसपी पर सरकार एमएसपी की न केवल दर बढ़ाती रही बल्कि एमएसपी पर खरीद केंद्र भी बढ़ाया जा रहा है, इस बात का जिक्र राष्ट्रपति ने अभिभाषण में किया। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें कि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि उस कृषि कानूनों का जिक्र आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता, और साथ ही साथ जो 26 जनवरी को जो दिल्ली में घटना हुई उस पर भी राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पर कहा है। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण लिहाज से हो जाता है। जी शैलेंद्र, एक महत्वपूर्ण चीज की राष्ट्रपति का अभिभाषण, और ऐसे मौके पर हमें सियासत भी देखने को मिली, तमाम राजनीतिक दलों ने एक तरीके से वहां मौजूदगी न दर्ज करा के, ये भी अपने आप में एक संभवता नहीं दिखाई पड़ता इस तरीके की तस्वीरें, लेकिन ये लोकतंत्र के लिहाज से बहुत बेहतर स्थिति नहीं? देखिए आज जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी की तरफ से भी कुछ नेताओं ने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो बीजेपी ने कभी भी लंबे समय तक अपने विपक्ष में रहने पर इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया था जिससे संसदीय गरिमा को कोई ठेस पहुंचे, और एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में विपक्ष की एक जिम्मेदार भूमिका होती है। और ऐसे में ये जो तमाम विपक्षी दलों ने और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो हिस्सा न लेने का फैसला किया आज के राष्ट्रपति के अभिभाषण में, ये उचित नहीं है, और दरअसल ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। बीजेपी ने तो आगे बढ़ के यहाँ तक कहा कि दरअसल ये कौन सी सोच है जो विपक्षी दलों ने इस फैसले को लिया है जो एक तरह से संसदीय गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी विपक्षी दलों को निशाने पर ले रही है, सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी हों या फिर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हों, उन्होंने आड़े हाथों लिया है अभी विपक्षी दलों पर के इस फैसले पर, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि वो दरअसल किस तरह जी। शैलेंद्र, एक चीज ये भी कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात आज रखी है और साफ तौर पे कहा कि एक तरीके से दशक का पहले सत्र के तौर पर है और हमको दशक को ध्यान में रखते हुए अपनी चिंताओं और चर्चाओं को उस स्तर पर ले जाने की जरूरत। आपको लगता है कि वो एक अपील अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण और किस तरीके से महत्वपूर्ण ये सत्र पूरा? बिल्कुल, संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया के जरिए कहा कि इस दशक का ये पहला सत्र है, और ऐसे में हम जानते हैं कि जब सांसद चुनकर आते हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है, जनता की अपेक्षाएं होती है, और संसद का विशेष महत्व है, तो ऐसे में उस जिम्मेदारी और उम्मीदों पर सांसद अपने काम करेंगे इस बात की उम्मीद जताई, और ये जो सत्र है ये एक तरह से बहुत ही सकारात्मक होगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो मिनी बजट आप कोरोना काल के दौरान हमने देखने को मिला कि कई राहत पैकेज वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किए गए, तो उसी श्रृंखला में ये आम बजट होगा, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का आज का संबोधन एक तरह से कह सकते हैं संसद के सत्र के शुरुआत से पहले। और हम जानते हैं कि बजट सत्र में सभी का इंतजार सबसे ज्यादा होता है बजट को लेकर और इस ऐतिहासिक बजट को लेकर, तो खास और शैलेंद्र आपको रोकेंगे, हम सीधे इस वक्त लोकसभा का रुख करते हैं और वहां पर इस वक्त कार्रवाई शुरुआत हुई है। उच्च सदन में माननीय नेता, एक मिनट, उच्च सदन की गरिमा बनाए रखो। शोक संदेश के समय आप जिस तरीके का संसदीय में व्यवहार कर रहे हैं वो क्या उचित है? नो आइटम नंबर 5, श्री अर्जुन मेघवाल जी। मैं
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से जो मेरे नाम के आगे अध्यक्ष महोदय मैं आपके अनुमति से मेरे आपके नाम के अंतर्गत के पटल पर रखता हूँ। मीनाक्षी लेखी महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित 7 प्रतिवेदनों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूं। पहला, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का पहला प्रतिवेदन। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का दूसरा प्रतिवेदन। भारतीय खाद्य निगम FCI के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का तीसरा प्रतिवेदन। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का चौथा प्रतिवेदन। NBCC इंडिया लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का पांचवा प्रतिवेदन। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण वर्ष 2015 के कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा से 12वें पर आधारित विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन। 16वीं लोकसभा के अंतर्वर्षीय टिप्पणियां सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का छठा प्रतिवेदन। घाटे में चल रहे CPSU की समीक्षा विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन। 16वीं लोकसभा में अंतर्वृष्टि टिप्पणियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का 7वां प्रतिवेदन। रमा देवी, मान्य सदस्यगण, हम संसद के माध्यम से एक संदेश दें, कोविड गाइडलाइन का पालना करें। अगर हम सकारात्मक संदेश नहीं देंगे तो कोरोना संक्रमण को रोका है हमने। नो रमा देवी जी, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी अस्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन, जैसा कि आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर सूचीबद्ध है, कि एक एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। सोमवार दिनांक 1 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही को 1 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। हम जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट आना है और ऐसे में अभी जो हम कार्रवाई देख रहे थे उसमें तमाम जो 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 पेपर्स थे उनको पटल पर रखा गया, लेकिन इस बीच में विपक्ष का जो शोर शराबा था वो भी जारी रहा है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं और आज की जो PM बड़ी खबर दिखा रहे थे इसमें हम जिक्र कर रहे थे इस बात का किस तरीके से राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हुआ तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, उन विषयों पर विस्तार से बात कर रहे थे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरीके से देखा जाए कि 26 जनवरी की घटना को राष्ट्रपति के को अपने अभिभाषण में जगह देनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिहाज से एक बेहतर स्थिति नहीं है, कम से कम एक जीवंत लोकतंत्र के तौर पे है भारत, ऐसी घटनाएं। बिल्कुल, देखिए 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समारोह है, उस दिन इस तरह की घटना होना, उस दिन तिरंगे का अपमान होना, उस दिन लाल किले की प्राचीर से कोई दूसरा झंडा फहराया जाना, देखिए उस प्राचीर से अंग्रेजों का झंडा उतरने के बाद सिर्फ और सिर्फ तिरंगा फहराया गया, वहां तिरंगे की जगह दूसरा झंडा फहराया जाना, ये जिन लोगों ने भी किया वो राजद्रोह से कम नहीं है, राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है, और उनके खिलाफ उसी ये तो दिखाना चाहिए था कि राष्ट्रीय तिरंगे के अपमान के मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है,
लेकिन जिस तरह का व्यवहार विपक्ष ने किया, पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके, फिर अभी लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तब जिस तरह का व्यवहार किया, उससे लगता नहीं कि उनको उस घटना से कोई दुख है, उसका कोई क्षोभ है, उसका कोई पछतावा है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है कि राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र के सबसे बड़े प्रतीक तिरंगे के प्रति अगर इस तरह का व्यवहार हो और उस पर चिंता ना हो। विपक्ष उस घटना को की गंभीरता को समझने से ही इनकार करते, ये बड़ी चिंता की बात है जनतंत्र के लिए भी, अपने देश के भविष्य की दृष्टि से। जी प्रतीक जी, आपको लगता है कि कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए भी राष्ट्रपति ने इस बात को अपनी अभिभाषण में इस बात को स्थान दिया कि जिन कानूनों का जिक्र है उनको समय समय पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसका समर्थन करते रहे, और ये सच्चाई भी हम पब्लिक फोरम में देख चुके हैं, इसका जिक्र हमने बहुत जगहों पर देखा। आपको लगता है कि जो एक आधार है इस समय पूरी राजनीतिक सियासत को जो कहीं तरीके से आगे बढ़ाने को लेकर, उसका भी एक जिक्र देखने को मिला, और कृषि सुधारों का मसला भी एक बार फिर से राष्ट्रपति के अभिभाषण में जगह पाता हुआ? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। देखिए कोई भी आर्थिक सुधार हो, कृषि के क्षेत्र का हो, उद्योग के क्षेत्र में हो तो या किसी और क्षेत्र में, ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो पॉलिटिकली बड़े सेंसिटिव होते हैं। आमतौर पर सरकारें इनसे बचना चाहती हैं। 72 साल से अगर कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया बड़ा, तो उस निवेश नहीं आया, तो उसका कारण यही है कि ये इस पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दे से सरकारें बचने की कोशिश करती रही। ये सरकार ऐसी है जिसने पॉलिटिकल विल दिखाई है कि जो देश के हित में, किसान के हित में, देश की कृषि के हित में है, उस पर हम कदम उठाएंगे, उस पर कानून बनाएंगे, और 3 कानून लेकर सरकार आई। आज राष्ट्रपति ने इस बात को फिर दोहराया, सरकार बार बार कहती रही है, उस बात को दोहराया आज राष्ट्रपति ने कि इन कानूनों से किसानों के किसी हक नहीं आई। बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्शकों को दे दे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रस्तुत कर दिया है, और क्या कुछ इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 1 फरवरी तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया, 1 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। I wish to lay on the table Hindi and English versions of the Economic Survey 2020-21, Volume 1 and Volume 2. तो इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण को लोकसभा के पटल पर एक तरीके से रख दिया गया, और अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर भी यही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में संसद भवन परिसर से लगातार बने हुए। संसद शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी एक डिजिटल फॉर्मेट में है, उसकी क्या जानकारी और कब तक पब्लिक डोमेन में इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल पाएगी? सर्वे है, उसमें क्या अहम बातें कही गई हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से देखें कि ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसका पता चलता है, और आगे क्या चुनौतियां आने वाली हैं, विभिन्न जो सेक्टर हैं उनमें क्या आगे ग्रोथ रहने वाली है, उनकी चुनौतियाँ क्या हैं, और साथ ही साथ कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है, इन सब का विस्तार से जिक्र होता है आर्थिक सर्वेक्षण में। और ऐसे समय में जब एक तरह से उम्मीद जताई गई है कि 2021-22 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो सकती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। विकास दर का जो अनुमान 2021-22 के लिए दोहरे अंक के विकास दर का अनुमान लगाया जा सकता है। थोड़ी देर में विस्तार से आर्थिक सर्वेक्षण के सारे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पता चलेंगी। निश्चित तौर पर बहुत अहम इसलिए भी होगा कि कई बार बहुत संकेत मिलते हैं कि सरकार आगे क्या कदम उठाने वाली है, वो आर्थिक सर्वेक्षण से उसका एक संकेत मिलता है, चूंकि अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है, कौन कौन से सेक्टर हैं, सरकार के जो सुधार के जो कदम हैं उनका कितना असर पड़ा है, कोरोना की चुनौतियों से किस तरह से सरकार निपटी है और किस तरह से उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, इन सब की विस्तार से जानकारी आर्थिक सर्वे में होगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और सभी को इंतजार होगा इसके बाद जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगे। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने कहा भी कि कई मिनी बजट कोरोना काल के दौरान वित्त मंत्री
एक तरह से सामने रख चुकी हैं, जो राहत पैकेज दिया गया था उसी श्रृंखला में इस बजट को देखा जाना चाहिए जो 1 फरवरी को पेश होना है। तो निश्चित तौर पर आज के आर्थिक सर्वेक्षण बहुत कुछ कहानी बताने वाले जी। प्रदीप जी, आपको लगता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के लिहाज से अगर अब जो तमाम आंकड़े हैं वो थोड़ी देर में पब्लिक डोमेन में आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर एक संकेत तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की चुनौती के बाद में भारत सरकार ने पटरी पर अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए जो तमाम कदम उठाए उसी का एक कंटिन्यूशन हमको कहीं आगे दिखाई पड़ेगा, और उसमें वैश्विक संस्थाओं ने भी भारत की तारीफ की जिस प्रकार के कदम भारत ने उठाए अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर दौड़ाने के लिए। बिल्कुल, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण दो चीजें करता है, एक तो सरकार की जो है नीतियां जो है क्या होने वाली है, सरकार अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाने वाली है, एक वो संकेत देता है बल्कि कहे कि सुझाव देता है बजट के लिए, बजट में क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, किन क्षेत्रों में कमी है उनमें कैसे सुधार लाया जाना चाहिए, ये इसका ब्यौरा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण में मिलता है। उससे भविष्य की आर्थिक नीति का, भविष्य के आर्थिक विकास के रास्ते का एक संकेत मिलता है। जरूरी नहीं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो बात कही गई है वो बजट में भी शामिल हो, लेकिन वो सरकार की मंशा बताता है, सरकार ये चाहती है, सरकार अर्थव्यवस्था को इस दिशा में ले जाना चाहती है, उसके लिए समय समय पर वो कदम उठाएगी, इसका संकेत उसमें मिलता है। कुछ उसमें नई नई इनोवेटिव बातें भी होती हैं जिन पर सरकार विचार करती है और आगे उन पर फैसले लेती है। जी प्रदीप जी, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया जाए तो एक महत्वपूर्ण बात उसमें यह भी देखने को मिली कि कोरोना के संकट काल के समय कैसे भारत ने न सिर्फ अपनी लड़ाई को बेहतरी से लड़ा है बल्कि वैश्विक स्तर पर जो एक सहायता का एक रोल है भारत ने जो अदा किया है वो भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उसकी सराहना करती नजर आ रही है, खासतौर से वैक्सीन को लेकर या दवाई उपलब्ध कराने को लेकर। आपको लगता है कि ये भी भारत सरकार की उपलब्धि के तौर पर? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वैश्विक पटल पर भारत की जो कोरोना डिप्लोमेसी कही जा रही है या वैक्सीन डिप्लोमेसी कही जा रही है उसको देखें आप, भारत जो हमेशा से भारतीय संस्कृति इस बात में यकीन करती रही है वसुधैव कुटुंबकम की नीति का कि पूरी दुनिया एक परिवार है, उसका व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन किया है भारत सरकार ने, उसको दिखाया है कि संकट के समय में हमने न केवल दूसरे देशों का साथ दिया, उनकी मदद की, बल्कि अब वैक्सीन जब हमने डेवलप की है, हमारे देश में 2 वैक्सीन बनी है, तो उनका भी लाभ देश के दूसरे लोगों को, खासतौर से उन देशों को जिनके पास संसाधन नहीं है ऐसी वैक्सीन के को डेवलप करने का, उनको भी मिले, इस दिशा में कदम उठाया है। अपने बारे में सब सोचते हैं लेकिन जो दूसरों के बारे में भी सोचे वो मानवता की दृष्टि से बड़ा काम करता है जो कि भारत सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से जो पूरे आप देखें इस कोरोना काल में भारत सरकार का जो रवैया रहा है, भारत सरकार के जो कदम रहे हैं उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, और इन 8-9 महीनों में जो कुछ किया है सरकार ने उसने भारत की जो प्रतिष्ठा है विश्व पटल पर उसको और बढ़ाया है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक पटल पर भारत की जो तारीफ है वो तमाम जगहों पे हो रही। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। The black clouds of smoke are gone and joy has spread all around. Since the time Ujjwala scheme has started, life is blooming with health and prosperity. With Prime Minister Ujjwala scheme, the women of the country are getting gift of good health, time and joy of prosperity along with green and clean energy. So the flame of happiness always shine bright. In the difficult situation of Corona, millions of homes are getting free cylinders under the scheme. बढ़ो 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 बढ़ो
कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आप नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण ताजा खबरों पर। बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा और उसमें 21 बैठकें होंगी। देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को उच्च सदन में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र पर कहा है कि बजट में इस दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हों और विचार का आदान प्रदान हो। उन्होंने कहा कि जिन अपेक्षाओं के साथ लोगों ने हमें संसद में भेजा, हम उन सब पर खरे उतरे, ऐसा हमें विश्वास है। इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में कई छोटे छोटे बजट भी जारी किए गए हैं, उन्हें उम्मीद है कि इस बजट को लोग उसी श्रृंखला के रूप में देखेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े, यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूर्व विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति हमारे सम्मान के हकदार हैं और विपक्ष का रवैया अभिभाषण के दौरान भी खेदपूर्ण रहा है। टुडे इन टर्म्स ऑफ द कन्वेंशनल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस द बजट सेशन कमेंस्ड विद द स्पीच ऑफ ऑनरेबल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। This is a salutary parliamentary tradition for the last so many years. Mahamahim Rashtrapati ji is beyond the pale of political divide. He represents the symbol of constitutional head of India and therefore entitled to our respect. It is a matter of great regret today that the opposition
sought to boycott it. But more particularly disquieting is the irresponsible role of Congress Party. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार के फैसले पर कहा है कि विपक्ष अपने इस फैसले से लोकतंत्र को तार तार कर रहा है। लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की अपनी एक गरिमा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करना यानी राष्ट्रपति का अपमान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को पेश कर दिया है और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ में मौजूद हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट इस वक्त अगर आपके पास में, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के लिहाज से बात करें तो? मोटे तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पैंडेमिक ईयर है उसमें कितनी कम से कम हमारी गिरावट होती है ग्रोथ की, उसका आकलन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। डिटेल्स हमें थोड़ी देर में पता होंगे जब राज्यसभा में पेश होने के बाद इसको सार्वजनिक किया जाएगा और उसके बाद जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार के सुब्रमण्यम जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। लेकिन मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो फास्ट रिकवरी हमें देखने को मिली थी अक्टूबर महीने में, जिसमें कई सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिले थे जहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया, तो वो इकोनॉमिक सर्वे शायद उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। आगे जाते हुए अगले साल हम कैसे फिर से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का तमगा हासिल कर सकते हैं, जिस तरह से अभी IMF ने भी ये कहा है कि अगले साल अगर हम देखें तो 11% से ज़्यादा की बढ़त, जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था भारत की हो सकती है, तो हमें भी इंतजार है इस बात का कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है इस साल का, जो पैंडेमिक ईयर का जो इम्पैक्ट मोटे तौर पर दिखाएगा देश के सामने कितना रहा, कौन कौन से सेक्टर्स में कितनी गिरावट रही और आगे जा करके कितनी संभावनाएँ बनती हैं, कितनी तेज रफ्तार की रिकवरी देखने को मिलती है, वो जो डिटेल्स हैं उसका हमें इंतजार है और सभी लोग एक्साइटेड हैं कि ये वाला जो सर्वे है इस साल का सर्वे वो काफ़ी अलग होने जा रहा है। जी अजय, हमने देखा कि किस तरीके से, जिसका जिक्र आपने भी किया कि IMF ने ये कहा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे भारत में वो क्षमताएं हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम एक कंटिन्यूस मिनी बजट भी देखते रहे और इसको भी हम आगे उसी श्रृंखला के तौर पे देखें। कहां पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेजेस भी देखे थे उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर से जहाँ पर ज़्यादा जोर दिखाई पड़ रहा था हमको? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपको यह ध्यान होगा तो बजट में 75,000 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए थे PM किसान यानी जो किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को दिए जाने हैं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से जो एक्चुअल ट्रांसफर हुआ, जो अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में हुआ, 1,13,000 करोड़ रुपए का। स्पष्ट तौर पर जो फोकस है आर्यन्द्र, वो कृषि और कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था पर रहने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो आज राष्ट्रपति जी ने कहा कि 1,00,000 करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस देखने को मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग पर फोकस देखने को मिलेगा, और पहली बार आपने देखा कि जो पैंडेमिक की वजह से हमें माइग्रेंट लेबर की जो समस्या पूरे देश में सामने आई, उसको देखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे जो योजनाएं हैं उसको कैसे जल्दी से जल्दी राज्यों के जरिए ज़मीन पर लाया जाए, उस पर भी काम जारी है। इसी तरह से जो रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में हैं, जिसमें ज़्यादा घाटा हो रहा था, वहाँ पर कैसे रिकवरी बढ़ाई जाए राज्यों की तरफ से, उस पर फोकस है। आगे जाते हुए मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो खाका है देश के सामने रखा जा चुका है, उस पर फोकस, कृषि और उसके संबंधित बुनियादी ढांचे पर फोकस, और सबसे बड़ी बात कि आप कैसे रोजगार में वृद्धि करने के लिए अलग अलग इंसेंटिव दे सकते हैं, और जो कैबिनेट ने बजट के जरिए, मिनी बजट के जरिए जिसका आपने जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 30 लाख करोड़ रुपए का, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है मोटे तौर पर वो सर्वेक्षण हमें बताने की कोशिश करेगा। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमेशा हर सर्वेक्षण में होती हैं, वो भी हम देखते हैं कि जो भारत के अर्थशास्त्री हैं, भारत सरकार के अर्थशास्त्री, उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता है। अजय, जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा सरकार का फोकस हमें बीते समय में MSME पे भी देखने को मिला, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से काम करता है, उस पर भी कुछ खास, क्योंकि कई चीजें हैं जिसको लेकर वो एक तरीके से जुड़ा हुआ रहता है तमाम सेक्टर्स के साथ में। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से हम स्किल डेवलपमेंट की और रोजगार की बात कर रहे थे, तो
इस पैंडेमिक ने हमें जो सिखाया है और कैसे हम जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको कैसे ओरिएंट करें रोजगार पैदा करने की तरफ, जिसमें एमएसएमई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे जाते हुए फूड प्रोसेसिंग जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएँ देखी जा रही हैं, तो स्किल डेवलपमेंट और मोटे तौर पर रोजगार जो सृजन है वो ज़रूर फोकस रहने वाला है। लेकिन ये एक सरकार के अर्थशास्त्री का एक दस्तावेज होता है, ये समझने की बात है। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है एक तरह से रेकमेंडेटरी होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक अर्थशास्त्री सरकार को सिफारिशें कर रहा होता है कि ये समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं देश की अर्थव्यवस्था के सामने और पॉलिसीज में ये काम किए जाने की जरूरत है। वो पॉलिसीज में कितना रिफ्लेक्ट होती हैं वो बजट डॉक्यूमेंट बताएगा। लेकिन चिंता कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के इर्द गिर्द ही होगी, क्योंकि सरकार हो या जो भी, सबका फोकस कहीं ना कहीं वही नजर आ रहा। शुक्रिया अजय, फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए आप रखिए नजर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो वहीं संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि सत्र में उपस्थित सभी सांसदों ने देश के प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाया है कि मुश्किल से मुश्किल चुनौती भी भारतीयों की दृढ़ता को हिला नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान संसद के संयुक्त सत्र का आयोजन करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। Honorable members, this joint sitting of the parliament, which is being held during the time of the coronavirus pandemic, has great significance. It is the beginning of the new year and a new decade. We will also be entering the 75th year of India's independence this year. All the members of parliament present here today embody the conviction held by every Indian that the toughest of challenges will deter neither us nor India. और अब नजर डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस एक्शन में है। एक ओर जहां पुलिस कड़े कदम उठा रही है, तो वहीं तमाम प्रदर्शन स्थलों से किसानों की वापसी भी देखी जा रही है। हालात ये हैं कि एक ओर किसान संगठन ही आंदोलन से हट रहे हैं, तो दूसरी ओर तमाम जगहों पर स्थानीय लोग भी अब आंदोलन के विरोध में उतर आए हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलवीर एस राजेवाल सहित 20 किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने 37 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए FIR भी दर्ज की है, जिनमें से 5 नामों को साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा है। 37 नामों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पुलिस को ढूंढना भी है और पकड़ना भी है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने भड़काऊ भाषण, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालने जैसे मामले दर्ज किए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने रैली के दौरान हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे के बड़े षड्यंत्र और आपराधिक कृत्य की जाँच कर रही है। और हमारे सहयोगी धीरज कुमार हमारे साथ में इस वक्त सिंघू बॉर्डर से मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। धीरज, क्या इस समय स्थिति है अगर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो? है यहाँ पे सुबह से ही काफी संख्या में जो है वो सुरक्षा कर्मी की भीड़ जमा हो रही है, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो इलाका है वो किसान आंदोलन जो 62 दिन से चल रहा है, पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु ही था, चाहे वो गंगपुर बॉर्डर का आंदोलन हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर का आंदोलन हो, तो यहीं से सारे आंदोलन यहाँ किसान आंदोलन के दिशा निर्देश जो है वो तय होते थे। लेकिन आज जो अभी स्थिति है उस स्थिति में ये आंदोलन अपने आप में सिकुड़ कर रह गया है, क्योंकि काफी संख्या में, मैं सुबह से यहाँ हूँ, काफी संख्या में लगभग 20 से अधिक गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जी, महात्मा की जय के रहे हैं। जो 26 तारीख की जो घटना हुई है, जो हमारे देश किसान तिरंगे का अपमान हुआ है, देश के गौरव का अपमान हुआ है, उस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस नारे के साथ सुबह से ही जो आम आवाम का जो है एक जुलूस, जिसको कह सकते हैं आम आवाम की जो है इकट्ठा होना सुबह से जारी है। और उसी लिहाज सकते हैं तो एकाध अगर 1 से 2 दिन की बात करें, जिस तरह के तरीके लोगों के यहाँ इकट्ठा होना शुरू किया है,
तो जो इस आंदोलन में जो किसान जो 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 अपने आप को किसान के रूप में आंदोलन कर रहे हैं उनका जमे रहना यहाँ काफी मुश्किल होगा। जी धीरज आप रहिए हमारे साथ, इस बीच हम रुक करते हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ हमारे सहयोगी संवाददाता नंदिता डागर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही है। नंदिता आपके पास क्या कुछ अपडेट्स और क्या स्थिति इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर बनी हुई है? हजारों की संख्या में आर्येंद्र यहां पर दिल्ली पुलिस के पर्सनल इस साइड पर डिप्लॉयड है गाजीपुर बॉर्डर पे, और पीछे ये यूपी गेट है, यहां पे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी का, वहां पर यूपी की पुलिस आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी जिसको पीएसी बोलते हैं और रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस वहाँ पर डिप्लॉयड है। फार्मर्स यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी के साथ वो वहाँ पर बने हुए हैं, उनके लीडर ने कल उसको वेकेट करने के लिए इस साइट को वेकेट करने के लिए मना कर दिया था, और देर रात को करीब 10 से 11 बजे के बीच में उन्होंने जो प्रेस वार्ता भी की थी और मीडिया से बात की थी उसमें वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं सुइसाइड कर लूँगा लेकिन मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। उनके गाँव से पैतृक गाँव से उनके लिए पानी मंगाया गया है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं पानी अपने गांव का ही पीऊंगा, और एक तरह की स्ट्राइक है ये। अभी फार्मर्स यूनियन जो है वो वेट कर रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनकी बातें हो इन तीन फार्म लॉज के ऊपर कुछ मिटिगेशन। हालांकि सरकार ने काफ़ी वाटर डाउन किया है, एक काफ़ी सहमति बन भी गई थी, लेकिन 26 जनवरी की जो हिंसा हुई है यानी कि जो रेड फोर्ट पर आईटीओ पर नांगलोई पर इन जगहों पर जो वैंडलिज्म वगैरह देखा गया, गुंडागर्दी देखी गई, वो जाहिर तौर पर किसान नहीं थे, कुछ और उपद्रवी लोग थे, लेकिन किसानों की मूवमेंट को काफ़ी डेंट पड़ा है उस वायलेंस से, उस जिसको कहते हैं वायलेंस या तोड़फोड़ से। तो उसके बारे में अभी स्थिति टेंशन टेंस्ड है, और ट्रैफिक जो है वो NH24 NH9 ये सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर रोड ब्लॉक्स एस्टैब्लिश्ड हैं और लोग यहाँ से वापस भेजे जा रहे हैं और ट्रैफिक यूपी जाने के लिए आनंद विहार का रूट ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो रूट है गाजीपुर का जो बॉर्डर है ये पूरी तरह से सील किया गया है। जी नंदिता आप रहिए हमारे पास, हम एक बार फिर से रुक करते हैं धीरज का, सिंगू बॉर्डर पे हमारे साथ में मौजूद है। धीरज हमने देखा कि किस तरीके से लगातार इस 26 जनवरी की घटना के बाद से जो किसानों का जो समर्थन है, धीरज हमारे साथ में नहीं है, हम नंदिता के पास ही रुक करते हैं। नंदिता हमने देखा कि लगातार कल तक जो तस्वीरें आ रही थी 26 जनवरी की घटना के बाद से लोगों का आंदोलन से कम होने का सिलसिला चल पड़ा था, आज क्या स्थिति है? क्या लोग आज भी कि हम वहां से अपने टेंट समेट के वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो एक समर्थन था एक बड़े स्तर पे वो शायद काफी हद तक कम होता दिखाई पड़ रहा है। आप जहां मौजूद है गाजीपुर में वहां क्या स्थिति? जी आपने ठीक कहा, थिनिंग आउट तो हुई है, यानी कि जो क्राउड्स बन गई थी टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर जाहिर तौर पर कम हुई है, क्योंकि जो ट्रैक्टर रैली के लिए खास तौर पर जो लोग सिर्फ ट्रैक्टर रैली के लिए आए थे वो वापस चले गए थे। तो कल ऐसा देखने में आया था कि काफ़ी ट्रैक्टर्स 26 जनवरी की रैली के बाद, ट्रैक्टर रैली के बाद वापस चले गए, तो उस तरह लोगों में थोड़ा सा ये रूमर्स भी फैले यहाँ पर किसानों में कि आप पंजाब और हरियाणा और यूपी वापस चले जाएँ। लेकिन फिर कल रात को जो किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के हैं उनके स्पोक्सपर्सन टिकैत, उन्होंने ये जब कॉल दी फार्मर्स को कि यहाँ से मत हटिए, तो फिर वापस थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पे नंबर्स में दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया नंदिता फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। आपके अलावा धीरज भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया सिंगू बादल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एनसीसी के कैडेट्स का जोश आसमान पर दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र के 26 कैडेट्स के एक समूह ने आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से उनके आवास पर मुलाकात की है। महाराष्ट्र के कैडेटों ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार अपने नाम किया है। जोश से लवरेज इन युवाओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनसीसी चरित्र का निर्माण करती है, उन्हें इस बात की खुशी है कि सभी कैडेट्स सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश सेवा करना चाहते हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि आप में से सब लोग भारतीय सुरक्षा बलों में दाखिल होना चाहते हो, आपका स्वागत है। देश को आप पर नाज है कि आपने सही फैसला किया है, और उसका भी कारण आप लोगों ने जो बताया कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, और देश को सेवा करने से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता।
और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। भारत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए देशभर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान जारी है। इसके साथ ही भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की मदद भी भेजी है। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मौजूदा समय में भारत की कोरोना वैक्सीन उत्पादन क्षमता को दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति बताया है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है और उम्मीद है कि दुनिया समझती है कि इसका पूरी तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। गुटेरेस ने साथ ही कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारत के पास वे सभी उपकरण मौजूद होंगे जो यह सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है कि एक वैश्विक टीकाकरण अभियान संभव हो सके। लातिन अमेरिकी देश मैक्सिको कोरोना संक्रमण के मृतकों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। मैक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के 18,670 नए मामलों की पुष्टि की है। वहीं कोरोना संक्रमण से 1,506 और लोगों की मौत हो गई है, जिस कारण कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 155,145 हो गई है। इस तरह मैक्सिको ने कोरोना मौतों से मामले में भारत से भी आगे निकल गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की टीम ने चीन के वुहान शहर में कोविड 19 की उत्पत्ति की जांच का अपना मिशन शुरू कर दिया है। टीम ने वुहान शहर में क्वारंटाइन पूरा करने के बाद अपना काम शुरू कर दिया है। यह दल इस बात का पता लगाने के लिए आया हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति आखिर कहां से हुई है। चीन पहुंचने के बाद शोधकर्ताओं को 14 दिन का पृथकवास पूरा करना पड़ा। WHO की टीम के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी समेत शहर के विभिन्न भागों का दौरा भी करेगी। गौरतलब है कि चीन ने महामारी को लेकर जल्द कदम नहीं उठाने को लेकर खुद पर लगे आरोपों को नकार दिया था। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कल कोविड 19 वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है। न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय के कुछ किलोमीटर दूर वॉन्ग्स इलाके में एक हाई स्कूल में उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। UN प्रमुख ने टीका लगवाने के बाद अपने एक ट्वीट में आभार प्रकट किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि सभी के लिए वैक्सीन की उपलब्धता न्यायसंगत रूप से सुनिश्चित की जानी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना दोबारा शुरू करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवच मिल सकेगा। कोविड 19 महामारी की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते रोजगार जाने से स्वास्थ्य बीमा के दायरे से बाहर रहने वाले अमेरिकियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उन्हें योजना में शामिल होने के लिए विशेष मौका देने की मांग का विरोध किया था। साथ ही जो बाइडेन ने कोविड राहत पैकेज के पारित होने का अपने प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता को भी बताया है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत से क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। क्या कुछ महत्वपूर्ण अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो? शुक्रिया आर्यन्द्र। शुरुआत करते हैं फुटबॉल से जुड़ी खबर के साथ। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में लिवरपूल ने टॉटनहैम हॉटस्पर को 3-1 से हरा दिया। लिवरपूल ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहले हाफ की समाप्ति से ठीक पहले रॉबर्टो फर्मिनो ने गोल दागकर लिवरपूल को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही लिवरपूल के ट्रेंट अलेक्जेंडर ने गोल कर स्कोर को 2-0 कर दिया। 2 मिनट बाद ही जवाबी हमले में टॉटनहैम के हॉसबर्ग ने गोल दागकर टॉटनहैम की मुकाबले में वापसी कराने की कोशिश की। सादियो माने द्वारा खेल के 65वें मिनट में किए गए गोल ने लिवरपूल की जीत सुनिश्चित कर दी। इस तरह इस मैच को आसानी से जीत कर लिवरपूल 37 अंक के साथ अंक तालिका में 4th स्थान पर पहुंच गई है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। सिंधु को अपने दूसरे राउंड रॉबिन मैच में थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन ने मात दी। वे ग्रुप बी के टेबल में सबसे नीचे हैं। पहले मैच में उन्हें ताई जू यिंग ने हराया था। वहीं किदांबी श्रीकांत भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। श्रीकांत भी ग्रुप दौड़ में जीत दर्ज नहीं कर सके। उनके ग्रुप से एंडर्स एंटोनसन और जू वे वैंग सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।
तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। वापस चलते हैं आर्यन्द्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम लगातार जो आज की तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर भी नजर बनाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल इसी के साथ मिडडे प्राइम में बस इतना ही। नमस्कार। महात्मा के मंत्र, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा के मंत्र, स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। नंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव ही गलत है कि वहाँ पर पहले शोर से बच्चों को मारा जा रहा है। ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। ना फेक न्यूज ना झूठ, बात सिर्फ दो टू। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको ताजा और वास्तविक समाचारों से। दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वैश्विक महामारी COVID-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से
आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए। साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। Namaskar and welcome. You're watching Midday Prime. President Ramnath Kovind today addressed members of both Houses of Parliament ahead of the commencement of the budget session. In the Midday Prime today, we talk about